वेंकटरामन रामकृष्णन का जीवन परिचय। वेंकटरामन वेंकी रामकृष्णन एक जीव वैज्ञानिक हैं। उन्होंने राइबोसोम की संरचना और कार्य पर शोध के लिए जाने जाते हैं। वेंकटरामन रामकृष्णन का जन्म 1 अप्रैल 1952 में तमिलनाडु के कडालोर जिले में स्थित चिदंबरम में पैदा हुए थे। उनके पिता सी वी रामकृष्णन और माता राजलक्ष्मी भी वैज्ञानिक थे। रामकृष्णन का विवाह वेरा रोसिन बेरी के साथ हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अन्नामलाई विश्वविद्यालय में हुई एवं उसके बाद इन्होंने 1971 में बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय से भौतिकी में स्नातक स्तर तक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद ओहायो विश्वविद्यालय में शोध कार्य करना प्रारंभ किया, जहां से 1976 में उन्हें पीएचडी की डिग्री प्राप्त हुई। इन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में कुछ दिनों तक शिक्षण कार्य भी किया। यही इनमें जीव विज्ञान के प्रति रुचि जागृत हुई एवं अपने भौतिकी के ज्ञान का प्रयोग जीव विज्ञान में प्रारंभ किया। वेंकटरामन रामकृष्णन ने 1977 में करीब 95 शोध पत्र प्रकाशित किए। वर्ष 2000 में वेंकटरामन ने प्रयोगशाला में राइबोसोम की 30 इकाइयों का पता लगाया और प्रतिजैविकों के साथ इनके यौगिकों पर भी अनुसंधान किया। 26 अगस्त 1999 को इन्होंने राइबोसोम पर आधारित 3 शोध पत्र प्रकाशित किए। उनका ये शोध कार्य 21 सितंबर 2000 को नेचर पत्रिका में छपा। उनके शोध से राइबोसोम की परमाणु संरचना का पता लगता है। रामकृष्णन का नाम हिस्टोन और क्रोमेटिन की संरचना कार्य के लिए भी जाना जाता है। वह 1999 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड के मेडिकल रिसर्च काउंसिल के मोलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी में जीव वैज्ञानिक के रूप में काम किया। उन्होंने 2015 से 2020 तक रॉयल सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वेंकटरामन वेंकी रामकृष्णन एक जीव वैज्ञानिक हैं। इनको 2009 के रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हें ये पुरस्कार कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण करने वाले राइबोसोम की कार्यप्रणाली व संरचना के उत्कृष्ट अध्ययन के लिए दिया गया है। इनकी इस उपलब्धि से कारगर प्रतिजैविकों को विकसित करने में मदद मिलेगी।